नमो नमः। नमः शब्द में म व्यंजन के बाद दी गई इन दो बिंदियों को ध्यान से देखें। प्रातः। प्रातः शब्द में त व्यंजन के बाद दी गई दो बिंदियों को हम कहते हैं विसर्ग। आज हम सीखेंगे विसर्ग। अह। विसर्ग में स्वर या व्यंजन के बाद दो बिंदियां दी जाती हैं, जैसे छह। शह क्रमशः। नह पुनः। दुह दुख। पह तपह। तुह चतुह सीमा। नहीं है शनै है। निह निस्वार्थ। माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। आइए कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। प्रातः नमः। अतः प्रायः। तपः दुःख। पुनः मूलतः। शनै है। फलतः क्रमशः। निःशुल्क निःसंकोच। परिणामतः दुःशासन अंतःकरण। चतुःसीमा रजःकण। आइए इसी प्रकार के कुछ वाक्यों को पढ़ें। प्रातः। प्रातः छह। रवि प्रातः छह बजे उठता है। वह प्रातः सैर करता है। माता पिता को नमः करता है। पुनः पुनः भलाई का काम करता है। निःसहाय और दुखी लोगों की मदद करता है। शनै शनैः बुरी आदतों को छोड़ता है। कुछ और वाक्य देखते हैं। प्रातः। अमन प्रातः उठ। अमन प्रायः प्रातः उठ। अमन प्रायः पुनः प्रातः उठ। अमन प्रायः प्रातः उठा। उसने सूर्य को नमः किया। अमन प्रायः प्रातः उठा। उसने सूर्य को नमः किया। अतः उसे विटामिन डी मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग। सी यू।